हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग टू द इकोनॉमिक्स लेक्चर, दैट इज द इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर लेक्चर। ओके, सो इन दिस वीडियो बेसिकली दिस इज द लेक्चर 6। हेयर वी विल कवर सम मोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम। ओके, क्योंकि मैं यहाँ कुछ कुछ नोट्स के बारे में बात करूँगा। ओके, जिनसे ऑलमोस्ट 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और सबको कंबाइन करके सब कॉस्ट को कंबाइन करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, दे मे आस्क दैट एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड दैट दे मे आस्क फॉर द 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स ऑलरेडी। ओके, सो दिस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो बिफोर मूविंग द वीडियो गाइस, मस्ट सपोर्ट, योर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, एंड इफ यू वांट सम इंक्लूजन देन यू कैन सपोर्ट। ओके, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द एजेंडा टुडे? ओके, सो हेयर दीज आर द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ओके, हो सकता है वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा। ओके, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप ध्यान से देखें। ओके, सो संक कॉस्ट, व्हाट आर द कॉस्ट वी विल डिस्कस? फर्स्ट ऑफ ऑल संक कॉस्ट, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिकरिंग नॉन रिकरिंग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट। ओके, सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट वी विल डिस्कस टुडे। Sunk cost, opportunity cost, recurring cost, non-recurring cost, incremental cost and life cycle cost. Okay, so let us come to our first cost, that is the sunk cost. Okay, so आपने ये बहुत बार सुना होगा sunk. Okay, don't focus on cost. Okay, first of all let me focus on sunk. Sunk means what? This is basically a third form of sink. Okay, sink, sunk, sunk. Okay, sunk means डूबना. Okay, so what is the sunk cost? Sunk cost is a cost that has already occurred and cannot be recovered by any means. Means the cost that you have already spent but that cannot be covered by any means. Okay, so sunk costs are basically independent of event and should not be considered when making a investment or project or decision. Okay, means sunk cost kya hota hai, ye independent of any event. Okay, and it should not be considered during basically you can say project decision or making investment. Okay, so kabhi aap jaise suppose koi company hai, okay, so agar investment karna cha raha hai then aapko ye consider nahi karna chahiye sunk cost. Okay, means simply company ye consider nahi karte. Okay, because you can see that these are the costs that has already occurred and cannot be recovered. Okay, aapko bhi samajh nahi aa raha hai, let us give one example. Okay, suppose a particular ABC company came into India. Okay, suppose let us come consider to Tesla. Okay, so Tesla come to India and they are planning to set up a project or you can say set up a factory. So bhai factory set up karna, they will not set up the factory at any place. Okay, they have to do research, they have to find something. Okay, so first of all suppose unhe Gujarat gaya ya kahin aur gaya. Okay, and after that they have basically means for doing all that kind of stuff they have to do expenditure. Okay, unko bhai kuch na kuch kharcha hi karna hoga. Okay, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट या फिर वहाँ पर कोई अगर सर्वे ले, मैपिंग सॉइल का सर्वे ले, अदर सर्वे ले. ओके, सो उनके लिए भाई कॉस्ट लगेगा. ओके, एंड आफ्टर ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे कम टू कंक्लूजन दैट इंडिया इज नॉट अप्रोप्रिएट. ओके, मैं अगेन कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ. ओके, सो दे कम टू कंक्लूजन दैट इंडिया इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सेटिंग अप आवर फैक्ट्री. ओके, क्योंकि भाई जो जो मुझे चाहिए, जो जो मुझे रिसोर्स चाहिए दैट आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया और यू कैन से देयर आर सम प्रॉब्लम. ओके, सो ये सब अगर प्रॉब्लम है देन दे विल कम टू कंक्लूजन दैट इन इंडिया वी कांट सेट अप फैक्ट्री. ओके, बट यू कैन कंसिडर यर दैट दीज आर द इन्वेस्टमेंट दैट आर गोइंग टू मेक. ओके, बट जब उन्होंने भाई प्लान किया कि यहाँ नहीं होगा देन दीज आर द वैल्यू और यू कैन से जितना भी खर्चा लगा ये सब सर्वे करने में वो क्या है, वो संक कॉस्ट में आपका आएगा. ओके, दीज आर द एक्स्ट्रा कॉस्ट. ओके, एंड दैट शुड नॉट बी कंसिडर ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट और वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, क्योंकि ये एक ऐसा कॉस्ट है जो कि ऑलरेडी अकॉर्ड हो चुका है. ओके, अब फिर से वही कह रहा है भाई आपने जो सर्वे किया वापस ला दें, जितना खर्चा है उसका वापस ला दें, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो संक कॉस्ट, सो दिस बी कॉल्ड एज संक कॉस्ट. ओके, सो संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी अकॉर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय एनी मीन्स. ओके, एंड इट शुड नॉट बी कंसिडर इन ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट एंड वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सो आई होप दैट क्लियर फ्रॉम एग्जाम्पल टू. ओके, नाउ कमिंग टू अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है दैट ऑल संक कॉस्ट आर कंसिडर एज फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. ओके, दैट ऑल संक कॉस्ट आर कंसिडर ए फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मीन पार्ट दैट कांट बी बेसिकली चेंज. ओके, अगेन वही आपको सेम प्रोजेक्ट के लिए अगर दूसरा जगह करना है तो ऑलमोस्ट सेम खर्चा ही लगेगा. ओके, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट संक कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, संक कॉस्ट का अदर नाम है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं. एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है दैट व्हाट संक टाइप इज ऑल्सो नोन एज. सो अदर नेम इसका है पास्ट कॉस्ट, इम्बेडेड कॉस्ट, प्रायर ईयर कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, संक कैपिटल और रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट. ओके, सो दीज आर द सम नेम ऑफ संक कॉस्ट यू हैव टू कंसिडर. ओके, लेट अस कम एग्जांपल दैट आई हैव ऑलरेडी सेड. ओके, सपोज अ कंपनी स्पेंड 50,000 ऑन अ मार्केटिंग स्टडी टू सी इफ इट्स न्यू इक्विपमेंट विल सक्सेड इन द मार्केट और नॉट. ओके, मीन सिंपली दे वांटिंग टू नो दैट अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो सक्सेड होगा कि नहीं. ओके, सो फॉर दैट दे विल कंक्लूड और बेसिकली दे विल अरेंज सम स्टडी, सम इन्वेस्टमेंट और यू कैन से सम नॉर्मल जनरल स्टडी की ये सही रहेगा कि नहीं. ओके, आफ्टर दैट दे कम टू कंक्लूजन दैट इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है. ओके,
सो दीज आर द कॉस्ट वो ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं. ओके, जो आप कह सकते हैं कि जो ये कॉस्ट ऑलरेडी उनका जो डूब चुका है. ओके, बस हमेशा नहीं कि ये डूबेगा ही, बट एक्स्ट्रा कॉस्ट दे आर स्पेंडिंग दिस थिंग. ओके, फॉर डूइंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी अगर 14,000 करोड़ या लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा तो सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि सबसे पहले मैं सर्वे कर लेता हूँ. ओके, क्योंकि आपके आफ्टर सेटिंग ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ आप वो कंक्लूजन पाए भाई कि ये जगह ही फिट नहीं है. सो दैट इज नॉट गुड ना. ओके, सो दैट्स वाई कंपनी बेसिकली इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टंग. उसी को कहते हैं क्या, संक कॉस्ट. ओके, आई होप दैट क्लियर. ओके, एग्जाम्पल भी आप पढ़ लेंगे देन दिस विल बी क्लियर टू यू. लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट कॉस्ट, दैट इज द रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कॉस्ट. ओके, आपने ऑलरेडी आई थिंक दैट क्लास 10-12 में पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग मीन्स वाट, दैट दे आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन. नॉन रिकरिंग वाट, दे आर नॉट हैपनिंग अगेन एंड अगेन. ओके, सो रिकरिंग कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट अकर एट अ रेगुलर इंटरवल. ओके, जो भी कॉस्ट रेगुलर इंटरवल पे आता है उसको क्या कहते हैं, रिकरिंग कॉस्ट. ओके, एंड सपोज यू कैन कंसिडर एयर एग्जाम्पल दैट द कॉस्ट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिकरिंग कॉस्ट. ओके, मीन्स प्रोडक्शन फैसिलिटी और प्रोडक्शन फैक्ट्री में बार बार क्या भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये क्या रिकरिंग कॉस्ट है. मीन्स कोई फैक्ट्री बार बार उसको बिजली का जरूरत होगा. ओके, देस दैट वी कॉल एज रिकरिंग कॉस्ट. नॉन रिकरिंग कॉस्ट इज वॉट, जस्ट अपोजिट, दैट डजंट अकर एट रेगुलर इंटरवल. ओके, और द कॉस्ट दैट इज डजेंट अकर एट रेगुलर इंटरवल, यू कैन से इरेगुलर इंटरवल. ओके, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं COVID-19 का. ओके, सो COVID-19 का वही जो पैंडमिक आया था. ओके, और उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी को लॉस हुआ दैट इज वॉट, नॉन रिकरिंग कॉस्ट. ओके, क्योंकि वो रेगुलर नहीं होता. ओके, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हर बार बार COVID-19 आएगा, बार बार उनको लॉस होना पड़ेगा. ओके, सो दिस वी कॉल इज नॉन रिकरिंग कॉस्ट. रिकरिंग कॉस्ट मीन्स बार बार उसको खर्चा करना पड़े, सच द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा कोई कंपनी करता है. ओके, फॉर डूइंग पार्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्शन दैट वी कॉल रिकरिंग कॉस्ट, क्योंकि उसको हर एक इंटरवल में उनको वो कॉस्ट लगाना ही पड़ेगा. बट नॉन रिकरिंग दैट डोंट अकर एट रेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ COVID-19. ओके, क्योंकि COVID-19 ऐसा नहीं कि आज आया तो अगला साल भी आएगा, फिर अगला आएगा. दिस विल नॉट कंटिन्यू. ओके, दिस प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू. सो वी कंसिडर दिस एज अ नॉन रिकरिंग कॉस्ट. लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अगेन शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन सेम ऑलमोस्ट एवरी ईयर भाई ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है. मेरे भी एग्जाम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया ही था. ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल. अब सबसे पहले वर्ड को समझो, अपॉर्चुनिटी मीन्स वाट, लाइक फॉर समथिंग यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी. बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू बेसिकली आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. सो अपॉर्चुनिटी. ओके, सो इट इज बेसिकली कॉस्ट विच रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट इन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस माइंडसेट. ओके, ऑन वेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव और अनदर. ओके, सपोज देर आर टू और थ्री अल्टरनेटिव, दे आर बेसिकली अवेलेबल विथ. ओके, एंड दे आर बेसिकली गोइंग टू पर्टिकुलर बेसिकली यू कैन से अल्टरनेटिव. ओके, सो यू कैन कंसिडर यू हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. यू कैन गो दे आर, यू कैन गो दे आर, यू कैन गो दे आर. देर आर थ्री वे दे आर बेसिकली प्रेजेंट, बट यू आर चूजिंग अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. ओके, इसलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, सिंपली आप डिफरेंशियल लिख दीजिएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस फॉर्म्स. ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरवर्ड अल्टरनेटिव. ओके, मीन्स नेक्स्ट बेस्ट फॉरवर्ड अल्टरनेटिव मीन्स वॉट, मीन्स कौन सा आप अल्टरनेटिव चूज करें उसके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा कि नहीं, दैट डिपेंड ऑन वेरियस पाथ. ओके, वेरियस अदर फैक्टर, उस पर आपको कंसिडर नहीं करना. सिंपली आपको लिखना है कि इट इज अ पोस्ट पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फॉर्म. ओके, और एनी फॉर्म. लेट अस कम टू द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट. ओके, इंक्रीमेंटल, अगेन आप सबसे पहले टर्म को समझिए. इकोनॉमिक्स में भाई आप सबसे पहले वो टर्म समझ लेंगे, देन आपका आधा काम वही हो जाएगा. इंक्रीमेंटल मीन्स इंक्रीजिंग. ओके, मीन्स इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेम टाइप ऑफ कॉस्ट फॉर टू अल्टरनेटिव. ओके, सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट द कॉस्ट फॉर टू अल्टरनेटिव. सपोज दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव. ओके, इफ ए हैज इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड बी हैज इनिशियल कॉस्ट ऑफ $12,000. ओके, देन इंक्रीमेंटल विल बी व्हाट, डिफरेंस ऑफ दैट ऑब्वियस बी माइनस ए, दैट विल बी 2,000. ओके, सो इन इकोनॉमिक्स वी फोकस ऑन द डिफरेंस अमंग अल्टरनेटिव एंड दस इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन सच एनालिसिस. ओके, जब भी भाई हमको बेसिकली एनालाइज करना का होता है कि कॉस्ट कितना ज्यादा लग गया या कम लग गया, वी बेसिकली डू द कंपेरिजन और यू कैन से वी डू द डिफरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर कॉस्ट. ओके, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं ऑलरेडी अदर कंपनी है. ओके, एक कंपनी सपोज यहाँ पर सेटअप करना चाह रहा है इंडिया में, वही कंपनी है भाई अमेरिका में सेटअप करना चाह रहा है. देन दे विल बेसिकली कंपेयर द वैल्यू दैट व्हाट आर द वैल्यू दैट डिफरेंस दैट वी आर गेटिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल बेसिकली सेटअप द फैक्ट्री. ओके, सो दिस प्ले अ बेसिकली सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस. ओके, एंड लास्ट कॉस्ट दैट इज द लाइफ साइकिल कॉस्ट. ओके, सो इट रिफर टू द कॉस्ट दैट कवर द वेरियस फेजेज ऑफ ए प्रोडक्ट. मीन्स लाइफ साइकिल मीन्स क्या होगा, पूरा आपका लाइफ साइकिल. बायोलॉजी में पढ़ेंगे लाइफ साइकिल प्रोसेस, मीन्स
complete process from the digestion, excretion, and various important things, okay, assimilation. So complete like life cycle process, okay. So similarly, in terms of economics, complete phase of the production involve करता है life cycle cost, okay. Means total phase of production में आपका क्या cost आया, that we call as a life cycle cost. आप definition यहाँ पढ़ सकते हैं, that life cycle cost refer to the refers, or you can say basically life cycle cost refers to the cost that occur even various phases of product services like life cycle from need of assessment through the design, production, operation, decline and retirement. Okay, means simply complete life cycle में, okay. आप कोई example में और दे देता हूँ ताकि आप clear हो जाएगा, okay. Suppose a company basically want to set up a basically you can say motorcycle, okay. Then complete life cycle means from the starting phase, from setting up factory, or you can say from the doing the production to arrangement to assembling to basically doing marketing, advertisement, all जो cost है उसको क्या कहेंगे, life cycle cost कहेंगे, okay. Means एक product को initial से start बनने में कितना cost आ रहा है उसको कहेंगे life cycle cost, okay. So this is the short lecture we want to discuss about the various types of cost, okay. And I hope clear guys, again very very important in context to your final semester examination, okay. आपको एक साथ पूछा जा सकता है that differentiate between the sunk cost and opportunity cost, या differentiate between recurring and non-recurring cost, okay. So simply आपको example देके आपको means दो तीन मार्क्स का आ सकता है, ओके. सिमिलरली दे कैन आस्क द डिफरेंशिएट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो वेरियस तरह से वो लोग पूछ सकते हैं, ओके. अगेन कर मैं एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स अबाउट 5 मार्क्स का आ ही जाएगा, ओके. आइदर वो एक एक मार्क्स का पूछ ले या दो तीन करके या 10 भी आ सकता है, ओके. सो यू हैव टू कंसिडर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो दिस इज द शॉर्ट लेक्चर एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, दैट इज लेक्चर 7 में, ओके. सो इफ यू अगेन सेइंग दैट इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन एनी थिंग्स फॉर द कंप्लीटिंग प्लेलिस्ट, देन यू कैन गिव योर सजेशन, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट थिंग्स. अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, ओके, फॉर गेटिंग नोट्स इन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मस्ट ज्वाइन दैट, देयर वी आर सेंडिंग नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके. अगेन गाइस, सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकूं, ओके. और अपना फीडबैक भी देते रहे सो दैट वी कैन इंप्रूव फर्दर, ओके. होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. If you're in doubt, feel free to ask your comment here. Till then, bye bye. Meet you in the next video.